हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज पुष्पा। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, देखिए शाम का टाइम हो गया है, तो सूर्य डूबने से पहले सूर्य को पानी चढ़ाते हैं ना, जल चढ़ाते हैं, तो वही मैं चढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं ना अभी के लिए ये साड़ी पहनी हूँ, इसका फुल लुक दिखा दूँगी, ठीक है? तो ये देखिए ब्लाउज पर ये डिजाइन है, मैं नई नई सिलवाई हूँ क्योंकि मेरी माँ से सिली है। और ये देखिए मेरे हाथों की मेहंदी की रंग धीरे धीरे एकदम गहरी होती जा रही है, एकदम हमें लग रहा है कि रात भर में एकदम ब्लैक हो जाएगा। और एक चीज़ देख रहे हैं, मेरा हाथ ना कांप रहा है। और इस येलो साड़ी, आपको मैं बताऊँ एक बात, ये येलो साड़ी मेरी शादी में मिली थी, जब सिंदूरदान होता है तो येलो साड़ी पहनते हैं ना, तो मेरे हब्बी जी लेकर के आए थे। तो ये देखिए, ठीक है, तो अभी मैं सूरज जी को जल चढ़ा करके उसके बाद मिलती हूँ। और हाँ, ये चूड़ा है ना, ये चूड़ा भी, सॉरी चूड़ा नहीं है, लाठी है, ये भी वहीं से आया था, मेरे ससुराल से, ठीक। सॉरी, यहाँ पर मैं सही से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैं स्पीड कुछ ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरे भाई को सही से रिकॉर्डिंग नहीं करने आता, इसके लिए सॉरी। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैंने सूरज जी को जल चढ़ाई और ये देखिए आज इतनी भूखी प्यासी हूँ। और ये तंग कर रही है, मम्मी खाना बना रही है मेरे लिए, मतलब भगवान जी को चढ़ाने के लिए। आज मेरी भूख से आवाज़ नहीं निकल रही है, भूख नहीं प्यास, मुझे भूख नहीं लगी है, प्यास लगी है, मन कर रहा है पानी पी लूँ। और आप तो अभी देख रहे हैं येलो साड़ी में, रात में मैं मतलब जिस टाइम करवा चौथ करूँगी ना, वो चांद देखूंगी ना, उस टाइम रेड वाली साड़ी पहनूंगी, अभी तो येलो वाली है। तो ये देखिए मैं करवा चौथ करने के लिए मैं तैयार हो रखी हूँ, बट मेरा करवा चौथ हो भी गया है, मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वो रही मेरी बाबू, वहाँ सो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी जिसकी वजह से, और मुझे खाली पेट मतलब वीकनेस आ रही है मेरे में। तो ये देखिए मैं पूजा कर ली, आप लोग को दिखाती हूँ। हमें जैसे आया जो आया हम चढ़ाए, अब आप ही लोग बताइए इसमें कुछ कमी है क्या? मेरे हिसाब से कोई चीज़ की कमी नहीं है। और इधर सासू माँ के लिए साड़ी है और श्रृंगार का सामान है, और यहाँ पे मेरा श्रृंगार का सामान है, और ये मेरी शादी की क्या बोलते हैं इसको, सिंगुड़वा शायद कहते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, हम मैं कथा भी कर ली हूँ, अब बस इंतज़ार है चांद का। तो मैं अपनी शादी में यही पहनी थी, मतलब मैं स्टेज पे गई थी ना, मेरा ठीक है इधर से उधर और है, तो मैं यही पहन रखी थी, और ये चुनरी था और ये साड़ी थी। देखिए साड़ी को दिखा देती हूँ, साड़ी मैं सही से नहीं पहन पाई क्योंकि मेरे से नहीं हो पाया, तो कभी और बेफिक्र मतलब फ्री में रहूँगी तो पहन के दिखाऊँगी, ठीक है? तो अब चांद निकलते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो हो गया हमारा पूजा, सॉरी मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बाहर पूरा अंधेरा है, और मेरा भाई वो मेरे हस्बैंड जी को वीडियो कॉलिंग पे दिखा रहा था, तो मैं वीडियो किस फ़ोन से बनाती, और मम्मी का फ़ोन डेड हो रखा है, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई, सॉरी। और मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, पता है क्या, मेरे को मतलब मुझे ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, फिर भी मैं जल्दी से, हमारे यहाँ जल्दी ही चांद निकल रहा है, तो जल्दी से मैं पूजा कर ली। और मेरी बेटी इतना तंग कर रही थी, वो रो रही थी, उसका पेट आज सही से नहीं बढ़ पाया। तो ये देखिए हमारा पूजा हो गया, यहाँ पे का सामान सब है, जो हटाने वाला है हम हटा लिए, और कुछ बचा है जो सुबह में नहा धो करके हटा देंगे, फोटो वगैरह। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मुझे तो रोना आ रहा है, पहली बार कर रही हूँ, कर ली
और वो भी फ़ोन पे, सब लोग अपने पति के साथ होंगे, मतलब उनके हस्बैंड जी खिलाए होंगे। मेरा तो फ़ोन से बस ऐसे कर दिए तो मैं खा ली। तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए कि अगली बार जब मैं करूँगा तो वो मेरे साथ रहे, ठीक है। ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, ऊपर से वो नहीं थे, बहुत ही अजीब फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब हो गई होगी। अभी तो खा पी ली हूँ बट फिर भी मेरा सर पूरा चकरा रहा है। आप लोगों को मैं बताऊँ, ये जो बेबी हुई है ना, बेबी होने के बाद से मेरे में काफ़ी वीकनेस आ गई है। देखिए यहाँ पर की हड्डी दिख रही होगी, ये देखिए दिख रही है ना, ऐसी मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं दिखी थी बट अब दिखने लगी है। इसका मतलब समझिए कमजोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे से सहा नहीं जा रहा था। मुझे पता था मेरे साथ ऐसा होगा बट क्या हुआ, पूरा हो गया मेरा, कर ली मैं, जैसे भी हुआ वैसे मैं कर ली। तो ठीक है, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड बाय। इस बार बिना पति का करवा चौथ करना पड़ा।